हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक गवर्नमेंट सर्विस के लिए बात करूँगा जिसका यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो रहा है। सेंट्रल वायरिंग हाउस कॉरपोरेशन CWC, यहाँ पे बहुत सारे रिक्रूटमेंट होने वाला है जिसके लिए ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन करना होगा। इसका डिटेल्स मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए क्या क्या डिटेल्स आपको यहाँ पे एलिजिबल करना होगा, सब कुछ डिटेल्स में। तो दोस्तों, पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि एक हम जो है सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन CWC जोन वाइज वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है 2019 में, जिसका एप्लीकेशन शुरू होगा 15 फरवरी 2019 और लास्ट डेट रहेगा इसका 14 मार्च 2019। तो दोस्तों, आज से शुरू होगा इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग नीचे दिया हुआ लिंक में जाके क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग बता देता हूँ कि जब भी आप अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन फ़ीस आपको रहेगा जनरल OBC वालों के लिए यहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ीस आपको भरना पड़ेगा। एंड जो लोग SC ST PWD है उन लोगों के लिए 300 रुपीज़ एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 300 रुपीज़ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी आपको देना पड़ेगा। एग्ज़ाम यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम आपको होगा अप्रैल और मई 2019 में। इसके साथ साथ दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ 571 पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है। तो फर्स्ट पोस्ट जो है यहाँ पे निकला हुआ है जूनियर सुपरिंटेंडेंट, जिसके लिए टोटल वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है 155। मैक्सिमम एज जो यहाँ पे दिया हुआ है 30 इयर्स तक। तो दोस्तों, यहाँ पे 30 इयर्स तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए इस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है सुपरिंटेंडेंट जनरल, जिसके वैकेंसी है 88, इसका भी मैक्सिमम जो एज लिमिट है 30, और इसके लिए आपको मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया ये क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो पोस्ट निकला हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर, जिसके लिए वैकेंसी है 18, एंड असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे वैकेंसी है 18, इसके लिए भी सेम आपको मैक्सिमम एज लिमिट 30 रहेगा, और इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए आपको BE BTEC डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद जो दोस्तों है अकाउंटेंट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, जिसका वैकेंसी है यहाँ पे 828, और इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट रहेगा आपको 30, और इसके साथ साथ आपको कॉमर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा, इसके साथ CA CS एग्ज़ाम पास होना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए निकला हुआ है पोस्ट, जिसके वैकेंसी है 238, जिसके लिए मैक्सिमम एज आपको रहेगा यहाँ पे 28, और इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री विथ वन ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट जियोलॉजी केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी MT टेक्निकल के लिए, यहाँ पे वैकेंसी है 1, मैक्सिमम एज है यहाँ पे 28, इसके लिए आपको मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और जियोलॉजी विद एंटोमोलॉजी विद फर्स्ट डिविजन मार्क्स मोर डिटेल आपको यहाँ पे एप्लीकेशन ये सब आपको क्वालिफिकेशन चाहिए जब भी आप ये पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट है हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, जो कि वैकेंसी है 3, और मैक्सिमम एज लिमिट चाहिए आपको 28, मास्टर डिग्री चाहिए इसके लिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो लास्ट पोस्ट है यहाँ पे दिया हुआ है मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए, वैकेंसी है 30, मैक्सिमम एज लिमिट है 28, और इसके लिए आपको MBA डिग्री आपको चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन कर पाएंगे। एप्लीकेशन के लिंक मैं नीचे दे दूंगा, जब आप लोग वहाँ से जाके एप्लीकेशन कर सकते। इसके अलावा इसका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके भी डाउनलोड करके इसका और भी डिटेल आप पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।